नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग एनसीईआरटी के सेक्शन में अर्थशास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत कक्षा 10 के अंतिम चैप्टर यानी कि उपभोक्ता मामले एवं उपभोक्ता अधिकार पर आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम में से हर कोई व्यक्ति, भले ही वह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में उत्पादन के किसी स्तर पर कार्यरत हो, लेकिन वह अलग अलग स्थितियों में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में कभी न कभी उपभोक्ता अवश्य होता है। हर व्यक्ति जब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के वस्तु और सेवाओं का अपने व्यक्तिगत जीवन में पर्सनल यूज के लिए जो है सामान खरीदता है, तो वहाँ पर उसकी स्थिति और भूमिका जो है वह कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता की होती है। इसके पूर्व के कक्षा में जो है हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों और विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के उत्पादन और सेवाओं के संदर्भ में चर्चा किया हुआ था। जब कोई भी व्यक्ति, नागरिक, निवासी उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में यूज करने के लिए सामान को खरीदता है, या चाहे वस्तु हो या सेवा, तो वहाँ पर उसकी स्थिति उपभोक्ता की होती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि एक दो श्रेणी की हम यहाँ पर उल्लेख करना चाहेंगे, जैसे कि अनौपचारिक क्षेत्र की बात थी, और इसी तरीके से अगर हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात करें या अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण व्यवस्था की बात करें, जो कि इंडिया में साख के दो तरीके की व्यवस्थाएं बताई गई थी कि एक औपचारिक यानी कि संस्थागत होता है और दूसरा अनौपचारिक होता है जिसमें साहूकार, व्यापारी, जमींदार इत्यादि आते थे। तो वहाँ पे किस तरीके से जो है उच्च ब्याज की दरों पर लोगों को लोन दिया जाता था, उनके शोषण की कई संभावनाएं, उनके उत्पादों को बेचने की बाध्यता होती थी। इसी तरीके से असंगठित क्षेत्र के जो कार्मिक होते थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं शोषण इस आधार पर होता था कि उन्हें सेवाओं के संदर्भ में कोई निश्चितता नहीं होती थी और उन्हें ना तो निश्चित वेतन दिया जाता था, ना तो नियमित दिया जाता था। उनके सेवा या उनके कार्य, उनके विभिन्न प्रकार के सर्विसेज की कभी भी जाने की संभावना या आशंका और चिंता बनी होती थी। उसी पृष्ठभूमि में अब हम देखते हैं कि उपभोक्ताओं के भी साथ किसी न किसी तरीके से जो है शोषण की संभावना बनी होती है। जैसे एक आम समस्या वजन को लेकर के कई तरीके की जो है यहाँ पर मैकेनिज्म गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जहाँ पर माप तौल से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है और किसी भी दुकानदार के द्वारा या किसी भी फर्म या यूनिट के द्वारा इस तरीके से कम उत्पादन की स्थिति आती है तो उस पर दंड की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो एक जो व्यवस्था है कि वजन को लेकर के, एक सामान्य समस्या है कि वजन के आधार पर जो उपभोक्ता का शोषण किया जा सकता है। दूसरा जो है मूल्य, मूल्य के संदर्भ में किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर जो है MRP अंकित होती है, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है। तो अधिकतम खुदरा मूल्य होता है और इससे ज्यादा कीमत पर कोई भी दुकानदार अपने सामान का जो है वो बिक्री किसी भी उपभोक्ता को नहीं कर सकता। इसी तरीके से शुद्धता को लेकर के है, तो ये कहीं ना कहीं जो फैक्टर हैं जिनके आधार पर उपभोक्ताओं के शोषण की संभावना, आशंका और गुंजाइश बनी रहती है और इन्हीं सब जो है स्थितियां जो होती हैं वो उपभोक्ता मामले से जो है जुड़ी होती है। तो ये जो स्थिति है इसके निवारण के लिए एक मैकेनिज्म का होना आवश्यक है। इसके लिए कई बार जो है सोसाइटी की तरफ से आंदोलन भी होते रहे हैं, जिससे कि जो है इनमें जो इनके आधार पर शोषण की गुंजाइश होती है उसे रोका जाना संभव हो सके। हम NCERT के इसी चैप्टर में एक रेजी नाम के जो है व्यक्ति के जो है, रेजी मैथ्यू, इनका उदाहरण लेने का प्रयास करेंगे कि इन्हें जो है किसी चिकित्सा के संदर्भ में ऑपरेशन होना था, हॉस्पिटल ने इन्हें एनेस्थीसिया दिया और उस दौरान उसका बैड इफेक्ट हुआ शरीर पर, जिससे इनके सोचने, समझने और मानसिक स्थिति पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अंत में ये व्यक्ति जो है अस्वस्थ हो गए शारीरिक रूप से। तो इनके द्वारा जो है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति, अभी हम आगे चल करके विभिन्न प्रकार के उसके स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके के मामले जो है किस स्तर पर लाए जाते हैं और उनका निवारण किस तरीके से किया जाता। खैर, यहाँ पर अभी हम रेजी के उदाहरण को देखने का प्रयास करते हैं, जहाँ पर वो चिकित्सा के दौरान उनके शरीर पर एक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हुई और चिकित्सालय उससे अपनी जिम्मेदारी मानने से इनकार कर देता है। अब यहाँ पर उत्पन्न होते ही स्थिति, ये राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में जाते हैं
जहां पर इस मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसमें न्याय हॉस्पिटल या चिकित्सालय के द्वारा जो है लापरवाही की गई है, और यह पुनः जो है राज्य के बाद जो है ये अगले स्टेज पर जो है राष्ट्रीय, जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, वहां पर जाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति पर, जहां पर मामले की गंभीरता से सुनवाई की जाती है और उसमें संबंधित चिकित्सालय को हर्जाना भरने के लिए निर्देश जारी करता है। दिस बीन कि यहां पर रेजी किसी सर्विस के संदर्भ में, अभी जब हम तीनों क्षेत्र पढ़ रहे थे तो वहां पे चिकित्सा शिक्षा ये सारी जो सेवाएं होती थी वो तृतीय क्षेत्र में रखी गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर भी वो उपभोक्ता के रूप में वहां पर जाता है कोई चिकित्सकीय सेवा लेने के लिए, और उसके साथ कहीं ना कहीं लापरवाही होती है या एक उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन होता है। ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में जाती है, जहां पर जो है हर्जाने के रूप में जो है हर्जाने के रूप में जो है चिकित्सालय को निर्देश दे दिया जाता है, और ऐसी स्थिति में रेजी के साथ में जो है ये न्याय होता है। यहाँ पर ये उदाहरण इसलिए दिया गया है ताकि उपभोक्ताओं के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के जो है उल्लंघन की स्थिति या उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति को स्पष्ट किया जा सके, या उसके विभिन्न प्रकार की संभावनाओं तक के दायरे को स्पष्ट किया जा सके। तो ये सारी स्थितियां हो सकती हैं, या प्राथमिक द्वितीय के अतिरिक्त क्षेत्र की कोई भी वस्तु या सेवा हो सकती है जहां पर उपभोक्ता से संबंधित मामलों का उल्लंघन हो सकता है। तो यह स्थिति जो है रही रेजी के साथ में जो है। अभी हम ये देखते हैं कि इन्हीं सब बातों की पृष्ठभूमि में जो खाद्य पदार्थ है या विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं उन पर उपभोक्ता निर्देश और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है चुनने का अधिकार। यहां पर एक और चीज स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, यह जीएस के साथ साथ जो निबंध के लिए भी समान रूप से जो है उपयोगी है, क्योंकि कई बार जो है निबंध में भी इस तरीके के टॉपिक हूबहू पूछे जाते हैं, और जब आप इस तरीके से जो एक अवधारणात्मक समझ विकसित करते हैं तो आपको परीक्षा में निबंध लिखने में बहुत ही आसानी होती है। तो पुनः उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। उपभोक्ता निर्देश में ये बातें हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट्स है, उत्पाद है, उस पर कई तरीके के निर्देश दिए होते हैं जिसे उपभोक्ता को देखने का अधिकार, जैसे यहां पर बैच संख्या होता है उस वक्त के, यहां पर जो है उत्पाद तिथि होती है, यहां पर जो है समाप्ति तिथि होती है या जिसे एक्सपायरी डेट कहा जाता है, इसी तरीके से जो है इस पर MRP होती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने जो है देखा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, जिससे अधिक मूल्य पे जो है उस वस्तु को बिक्री के लिए नहीं लाया जा सकता। इन्हीं सभी बातों की पृष्ठभूमि में जो है RTI की भी व्यवस्था की गई है। इसे हम अलग से चैप्टर में कवर करने का प्रयास करेंगे, केवल संक्षिप्त में इतना जान लीजिए कि RTI जो है किसी भी प्रकार सरकारी व्यवस्था या प्राधिकरण से हम कोई भी सूचना जान सकते हैं, और इसकी व्यवस्था जो है वो जून 2005 में इसे बनाया गया, और इसे अक्टूबर 2005 ईस्वी में जो है इसे लागू कर दिया गया, 120 दिन का इसमें समय दिया गया था। तो इससे जो है आप RTI राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, जिसके द्वारा जो है आप किसी भी प्रकार की सरकारी व्यवस्था या प्राधिकरण से किसी विषय के संदर्भ में, अब जैसे कोई दुकानदार हम सीधा उसे सूचना तो नहीं मांग सकते, लेकिन ये सामानों की जो भी नियंत्रण की व्यवस्था वो कहीं ना कहीं किसी सरकारी विभाग के अंतर्गत आता है, और हम वहां पर जो है RTI मांग सकते हैं। हालांकि RTI के संदर्भ में ये भी व्यवस्थाएं की गई हैं कि हम कोई व्यक्तिगत सूचना या राष्ट्र की एकता अखंडता से संबंधित सूचना को नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि उससे जो है एक गोपनीय या संवेदनशील स्थिति को स्पष्ट किए जाने के लिए जो है ऐसी सूचना देने से मना किया गया है। तो
एक सामान्य रूप से उपभोक्ता हित में, जनहित में कोई ऐसी बातें जो जरूरी है वो हम आरटीआई के माध्यम से मांग सकते हैं। खैर आरटीआई पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे किसी टॉपिक में। तो हम यहाँ पे उपभोक्ता निर्देश, तो उत्पादन के संदर्भ में या उपभोक्ता मामले के संदर्भ में उपभोक्ता निर्देश इन्हीं बातों पर निर्धारित होती है, और इसका यदि कहीं उल्लंघन होता है तो हम अभी जैसे पूर्व में रेजी के द्वारा जो है मामले को उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में ले जाया गया था वैसे हम ले जाते हैं। तो ये स्थिति रही उपभोक्ता निर्देश। चुनने का अधिकार, जैसे कोई भी सामान जो है उसे हम अपने अनुसार या अपने विवेक के अनुसार लिए गए निर्णय के आधार पर ही खरीदते हैं, यदि हमें उसके साथ में किसी भी तरीके की शर्त लगाई जाती है या दबाव बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर चुनने के अधिकार का उल्लंघन होता है, जो कि उपभोक्ता के अधिकार का एक तरीके से उल्लंघन है, और हम इसी तरीके से जो है इस मामले को भी कहीं ना कहीं जो है ले जा सकते हैं, जैसा कि रेजी ने अपने मामले को ले जाया गया था। अब यहां पर जो है इसका उदाहरण जैसे देख लीजिए, अगर हम ब्रश खरीदते हैं उसके साथ में पेस्ट खरीदने के लिए हमें जो है दबाव बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर यह शर्त कहीं ना कहीं चुनने के अधिकार का उल्लंघन करता है। और एक व्यवहारिक जो स्थिति हमारे आम जीवन में दिखाई पड़ती है वो ये है कि जब गैस का कनेक्शन कराया जाता है तो उसके साथ में चूल्हा देने की बात कही जाती है। ये बात और है कि गैस सही दरों पर दिया जाता है, लेकिन चूल्हा अगर 1200 का है तो हमसे वो 2000 या 2200 रुपये की वसूली की जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी उपभोक्ता के अधिकार या उपभोक्ता मामलों के संदर्भ में एक उल्लंघन की स्थिति बनती है, जो कि चुनने के जो है अधिकार के रूप में उल्लंघन होता हुआ माना जाता है। तो ये स्थिति जो है रही उपभोक्ता के निर्देश और चुनने का अधिकार। अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि उपभोक्ताओं से संबंधित मामलों में एक मानक और नियम को बनाने के लिए उपभोक्ता आंदोलन कंज्यूमर मूवमेंट उपभोक्ता आंदोलन वास्तव में जो है उपभोक्ताओं की असहमति के रूप में व्यक्त हुआ, जैसा कि पूर्व में बताया गया विभिन्न प्रकार की कंडीशन, उन्हीं स्थितियों में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूपों में जो है यह आंदोलन निकल करके जो सामने आया। उपभोक्ता अधिकार हित दल बनाए गए जिसके माध्यम से उनका शोषण करने वाली स्थितियों का विरोध किया गया, और इन विरोध के आधार पर उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षण करने की बात की गई। और इन्हीं संदर्भ में 1960 के दशक में ये जो है अपने स्वरूप में जो है दिखाई पड़ना जो है शुरू हुआ, और 1970 के जो है दशक में अगर देखा जाए तो 1970 के दशक में जो है अलग 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 प्रकार के जो है स्थानीय स्तर पर जो है सांगठनिक ढांचा जो है बनना शुरू हुआ, जहां पर कुछ नियमों की भी बात की जाने लगी और इसके आधार पर उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षण बात की जाने लगी। और 1985 में आकर के उपभोक्ता इंटरनेशनल की जो है उपभोक्ता इंटरनेशनल का कांसेप्ट आया। यह बेसिकली जो है उपभोक्ताओं के हितों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के मानकों के अनुपालन से संबंधित था, विभिन्न प्रकार के मानकों के समुच्चय के जो है अनुपालन से संबंधित था। और इनका जो है उपभोक्ता इंटरनेशनल यह संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है मार्गदर्शन में था, उसके नियंत्रण में था। तो इसके आधार पर विभिन्न देशों में जो भी संगठन बनाए गए उनका संरक्षण इसके अंतर्गत जो है प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल लेवल पर उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण जो है पहल थी, और उसी के परिणामस्वरूप 1986 ईस्वी में भारत में जो है एक्ट यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा के नाम से ये जो है जाना जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया, इसके अंतर्गत जो है उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए तथा किसी भी प्रकार के उल्लंघन से निपटने के लिए त्रिस्तरीय ढांचा जो है विकसित किया गया, यानी कि जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर।
त्रिस्तरीय ढांचा विकसित किया गया जिला उपभोक्ता विवाद निवारण समिति और इसी तरीके से राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति, ये जो है 20 लाख रुपए तक जो है 20 लाख तक के मामलों की सुनवाई करता था। ये जो है 20 से लेकर के जो है 1 करोड़ तक के जो है मामलों की सुनवाई करता था, और ये जो है 1 करोड़ से जो है ऊपर के जो है मामलों की जो है सुनवाई करने के लिए जो है बनाया गया एक ढांचा जो बनाया गया, जिससे 20 लाख तक की अगर क्षति होती है तो वो यहाँ पर 20 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर के लिए वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति जो है बनाई गई, जो कि उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए मामलों की सुनवाई करता है और उपभोक्ताओं को जो है न्याय प्रदान करने का प्रयास करता है। और इसी तरीके से उपभोक्ता संरक्षण परिषदें बनाई गई, ये तो अदालतें हैं, उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाई गई जहां पर उपभोक्ताओं को उनके हितों के उल्लंघन के आधार पर विभिन्न प्रकार के परामर्श दिए जाते थे, और उसमें एक परामर्श ये भी होता है कि वो इन स्तरों पर अपने मामले को ला करके जो है रखें जिससे उनका भी निस्तारण किया जा सके। तो ये व्यवस्था थी उपभोक्ता आंदोलन के संदर्भ में। अभी हम इनके संदर्भ में कुछ और भी व्यवस्थाएं देख लेते हैं। जैसे इसमें एक अधिनियम भी महत्वपूर्ण है बहुत, कि खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 पारित किया गया था। खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 जो पारित किया गया था, जिसके द्वारा किसी तरीके की मिलावट पर रोक लगाई गई, क्योंकि मिलावटी वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री ये जो है मार्केटिंग और उपभोक्ता हितों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जो है समस्या रही है। अभी एक जो है स्थिति है, ISI और एक मार्क है, हॉलमार्क है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये चीज बताता है कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ये कि 1955 ईस्वी से भारत में जो है प्रभावी है, ये औद्योगिक वस्तुओं के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने से संबंधित है। ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो है यह औद्योगिक उत्पादों के संदर्भ में विभिन्न मानकों के मानकों का अनुपालन करने से संबंधित है। इसी तरीके से ये पूर्व में व्यवस्था थी जिसे बाद में 1986 ईस्वी में जो है नेशनल जो है स्टैंडर्ड बॉडी के रूप में जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बना दिया गया, जो कि विभिन्न प्रकार के मानकों का जो है निर्माण करता है और इन मानकों को जो है विभिन्न उत्पादों के संदर्भ में लागू किया जाता है। जैसे हम अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक के सामान का यूज करते हैं, चाहे प्लग हो, स्विच हो, हीटर हो, इन प्रकार की चीज़ों में, तो उसमें ISI के जो मार्क लगे होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस, और 1986 ईस्वी में जो है इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है कर दिया गया। एक मार्क की व्यवस्था, कृषि से संबंधित उत्पादों में विभिन्न प्रकार के उच्च गुणवत्ता के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए जो एक मार्ग के जो है प्रमाणक चिन्ह दिए जाते हैं, और इसके संदर्भ में अधिनियम 1937 है, इससे सवाल भी अब तक जो है पूछे जा चुके हैं प्रारंभिक परीक्षा में PCS के। तो ये यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण है, ये किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है इसका प्रशासन जो है किया जाता है। हॉलमार्क इसी तरीके से है, हॉलमार्क जो है सोने चांदी या इसी तरीके से आभूषण की गुणवत्ता के मानक को सुनिश्चित करने से संबंधित एक प्रमाणक चिन्ह है जो उस पर अंकित किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ ढांचा है जिनके द्वारा जो है गुणवत्ता की गारंटी देने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी बातें जो है आप लोगों के लिए रही उपभोक्ता मामले एवं उपभोक्ता अधिकार के जो है संदर्भ में। तो उम्मीद करते हैं कि उपभोक्ताओं के संदर्भ में जो एक समस्या है उससे, और समस्या से निपटने के लिए जो आंदोलन है वो, और एक हमारी जो एक ढांचागत व्यवस्थाएं हैं उससे आपको जो है परिचित होने का इस लेक्चर के माध्यम से जो है मौका मिला होगा।
तो आप इस चैप्टर का विधिवत ढंग से अध्ययन कीजिए। और इसी चैप्टर में हम इस बात को भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगले लेक्चर से हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा प्रारंभ करना चाहते हैं। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के पूर्व में एक कहानी के रूप में, एक अवधारणा के रूप में अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास के बारे में समझ पैदा करने के लिए ये लेक्चर जो लिया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि इसके माध्यम से एक बेसिक जानकारी और समझ आप में जरूर पैदा हुई होगी। लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में हम भारतीय अर्थव्यवस्था को सिविल सर्विसेज के पाठ्यक्रम के संदर्भ में क्रम से जो है प्रारंभ जो है करते हैं। तो आप इस चैप्टर के साथ जो है पूरी एनसीईआरटी की व्यवस्था का जो कि अभी तक जो है पढ़ाया गया है लगभग 10 लेक्चर में, उसे आप लोग जो है देखने का जो है प्रयास कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि इससे आपको एक बेहतर समझ पैदा होगी, जिससे आने वाले जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर्स और टॉपिक को समझने में आपको मदद मिलेगी। आज के लेक्चर में बस इतना है, पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।